नमस्कार, लाइट कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चना दाल चिकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चने की दाल 3 से 4 घंटे पहले ही भिंगो के रख रखा था। इसे हम पहले कुकर में चढ़ाते हैं। ये कुकर लिया हमने और इसमें हमने चने की दाल डाल दी। हम डालेंगे पानी। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर और इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इसे हम 2 से 3 सीटी लगाएंगे। दो सीटी लग चुकी है, अब हम करते हैं गैस ऑफ। चलिए देखते हैं, दाल हमारी रेडी है। अब हम चलिए ये गैस ऑन कर दिया है, अब कढ़ाई रख दिया। ये दाल हमने पूरा पकाया नहीं है, जो भी इसमें कमी होगी वो हम चिकन के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। ये मैंने 2 बड़े प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिए हैं, ये हरी मिर्च, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये टमाटर है, ये धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। ये खड़े गरम मसाला जिसमें तेज पत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता और ये सब खड़े मसाले। अब इसे हम कटे हुए ये प्याज डालेंगे। चिकन है, इस रेसिपी को आप जरूर घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी अच्छे से हम भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये चिकन। धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। नमक का ध्यान रखिए क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला था। इसमें हम डालेंगे कटे हुए हरी मिर्च और ये कटे हुए टमाटर। हम थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं,
डालेंगे ये चने की दाल। इसे भी हम मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए तेज आंच में ढक के छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा ये ना दाल और चिकन अच्छे से मसाले में भून चुके हैं। अब हमारा जो दाल का पानी जो बचा था ना, अब वो हम इसमें यूज करेंगे। अगर आप अपने हिसाब से तरी रखिए, आपको जितनी जरूरत है उतना। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी। अब इसको हम धीमी आंच में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। जो भी हमारे दाल में जो भी कच्चापन था वो अब ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, की दाल बनके रेडी है। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे ये कस्तूरी मेथी है। ये घर का बना हुआ गरम मसाला। मिक्स कर लेते हैं इसे। करते ऑफ और 5 मिनट के लिए कवर करके हम छोड़ देते हैं। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए करते हैं इसकी हम प्लेटिंग। लीजिए, हमारा चने विद चिकन बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और घर में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी।